बिना लालू राबड़ी के तो तेजस्वी तेज प्रताप की कोई औकात नहीं है। तो चाहे एमएलए बनाना हो, एमएलसी बनाना हो, मंत्री बनाना हो, तो लालू जी की फितरत थी। तो देखिए, जिनके जिनकी पूरे जिनका जो पूरा कल्चर रहा है कि पैसा लो और काम करो, तो उसी की ये प्रतिमूर्ति है। लालू जी से अलग हट तो सकते नहीं है, भले चुनाव के दौरान लालू जी की तस्वीर हटा दिया हो। लालू यादव के बिना तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की कोई औकात नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही पोस्टरों से लालू राबड़ी को हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से लालू यादव फ्रंट पर आकर राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जो इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया और साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव ने एक संस्कृति स्थापित की थी और अब उसी संस्कृति पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। आपको पता होगा, बकायदा पटना की एक कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर केस करने का निर्देश दे दिया है। तेजस्वी यादव के साथ साथ मीसा भारती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अलावा प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर पर 5 करोड़ रुपए लेने का आरोप है और इसी को लेकर सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप खुद सुन लीजिए। लेकर टिकट देने का आरोप फिर से लगा, केस दर्ज होने का मांग आरोप लगाया है कि पैसे लेकर। आश्चर्य की बात नहीं है, उनकी जो पूरी संस्कृति है काम करने की, वो पैसा लेकर, चाहे वो टिकट देना हो, नौकरी देना हो, मंत्री बनाना हो। ये पटना के अंदर चितकोरा में कांति देवी जो, कांति सिंह जो मंत्री थी, उनको मंत्री क्यों बनाया? उन्होंने जब गिफ्ट किया 2 मंजिला मकान, तो उनको UPA 1 के अंदर मंत्री बनाया गया। रघुनाथ झा को मंत्री बनाया और उसके एवज जो गोपालगंज के अंदर 2 मंजिला मकान लिखवा दिया। तो चाहे एमएलए बनाना हो, एमएलसी बनाना हो, मंत्री बनाना हो, तो लालू जी की फितरत थी। अभी भी मेरे पास बक्सर से एक टेलीफोन आया, कल मैंने उनको बुलाया है और कह रहे हैं कि हमसे भी पैसा लिया गया। अब कितने लोग सामने आएंगे, लोग हिम्मत नहीं कर पाते। मैं कल भागलपुर था, मुझे वहां एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि 2 करोड़ रुपया मैंने दिया और फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया, और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर मांग सकूं। तो देखिए, जिनका जो पूरा कल्चर रहा है कि पैसा लो और काम करो, तो उसी की ये प्रतिमूर्ति है। लालू जी से अलग हट तो सकते नहीं है, भले चुनाव के दौरान लालू जी की तस्वीर हटा दिया हो, फिर लालू यादव फोर फ्रंट पर आ गए। तो बिना लालू राबड़ी के तो तेजस्वी तेज प्रताप की कोई औकात नहीं है, इसलिए वही कर रहे हैं जो इनके माता पिता ने किया, उन्हीं से सीख लेकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे। तो देखिए, बात के उनकी हिम्मत करने की बात ना, कोई संजीव है, उन्होंने हिम्मत की है। जो देता कोई प्रमाण तो रहता नहीं है, क्योंकि नगद पैसा दिया जाता, कोई चेक से तो पैसा दिया नहीं जाता है। अभी उनके राज्यसभा के MP की लिस्ट देख, कौन लोग राज्यसभा के, एक व्यक्ति छोड़कर जितने राज्यसभा के MP है, एक तो अभी फर्टिलाइजर घोटाला में जेल में थे, एक व्यक्ति 5 बार से MP है, हरियाणा के रहने वाले हैं, बिहार से कोई मतलब नहीं, और वो IRCTC से घोटाला की चार सीटें हैं। तो इसलिए आप उनके MLC की लिस्ट देख लीजिए, शराब माफिया, बालू माफिया, जो इस प्रकार के लोग हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर, जो पैसा देंगे वही MLC बन सकता, वो कोई कार्यकर्ता BJP के समान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो आपने सुना, सुशील मोदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, तेजस्वी लालू यादव की संस्कृति पर चल रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था, चाहे वो कांति सिंह जो मंत्री बने, बकायदा उन्हें 2 मंजिला मकान गिफ्ट किया था, या फिर रघुनाथ झा जिनको मंत्री बनाया गया, उन्हें भी गोपालगंज में 2 मंजिला मकान गिफ्ट किया गया था। RJD में जो कोई भी पद किसी को मिलता है, चाहे वो नौकरी हो या फिर MLA MLC बनाना या फिर मंत्री, वहां पर लालू यादव भी लगातार लोगों से गिफ्ट लेते रहे, पैसा लेते रहे, और इसी कड़ी में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बकायदा 5 करोड़ रुपया लिया है और साथ ही साथ कहा कि जब मैं बक्सर गया था तब वहां भी एक शख्स मिला जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तेजस्वी यादव ने हमसे भी पैसा लिया था लेकिन हमें भी टिकट नहीं मिला है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ साथ मीसा भारती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि अगस्त महीने में ही जो संजीव सिंह, उन्होंने परिवाद दायर किया था और अब कोर्ट का निर्देश आ गया है और इन तमाम शख्सियतों पर जो है अब जल्द से जल्द FIR दर्ज हो सकता है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ सकती है। कोर्ट का क्या फैसला होगा ये अलग बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि फिर से जंगल राज की याद दिलाई जाएगी और सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार करेंगे। इस वक्त लगातार अलग अलग मुद्दों पर तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लेकिन इसी बीच जो ये मसला आया है जहां पर उनका आरोप लगा है कि टिकट के बदले 5 करोड़ रुपए लिए हैं, तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, में आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।